सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर लिविंग विद स्टार्स। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक स्टार से कराने वाला हूं, जिनका नाम है वीर रावत। काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, वो गिटार प्ले करते हैं, काफ़ी अच्छा गाते हैं, लिरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वोकल्स पे काफ़ी अच्छी पकड़ है। आज वो आ रहे हैं स्टूडियो कुछ डिस्कस करने मेरे से, और उन्हें नहीं पता कि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ या फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं उनका कैसा होता है रिएक्शन, वो क्या बोलते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका, सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो गाइस, लगता है कि वीर भाई आ चुके हैं, देखते हैं वो कैसी है और किस हालत में आए हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। वीर भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, कैसे हो? यार बहुत दूर है भाई, क्या दूर है भाई, बहुत दूर है अपने स्टूडियो, किसका स्टूडियो आपका भाई? अरे नहीं भाई, पास दूर स्टूडियो कर रहा है। हाय गाइस, तो देख लिया आपने आज का सेशन सारा रिकॉर्ड होने वाला। अच्छा, ठीक है ठीक है, बड़ी जल्दी मान गए, ये भी नहीं बोला कि मुझे बताया नहीं। आज का सेशन भाई सारा रिकॉर्ड करेंगे भाई, आजकल सारी चीजें रिकॉर्ड ही हो रही है, तो आदत हो गई अब। आजकल सब रिकॉर्ड ही हो रहा है। और सुनाओ यार, क्या लोगे? बस भाई कुछ नहीं, चाय नाश्ता या म्यूजिक? म्यूजिक। तो वीर भाई, तो फ्रेंड्स ये हमारे वीर भाई, आपको बता देता हूँ, काफी, जैसे कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था, काफी गानों में इनका योगदान रहा है, जिसकी वजह से वो गाने हिट हुए हैं, चले हैं, सुनने लायक बने हैं। म्यूजिकली बंदा है भाई, बहुत जैसे ही लगते हैं मुझे। मैं इनको काफी पहले से, हम शायद, हमें कितना साल हो गया, हमें हो गए होंगे चार साल करीब। हाँ देखो, चार मिनट में सोचिए बताया तो 4 साल हो गए हमें मिले हुए, और काफी अच्छा लगता है वीर भाई के साथ मिलके बात करके, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, दिमाग में थोड़ा म्यूजिक भर जाता है, अच्छा लगता है इन चीजों को देख के। तो आज भी हम कुछ म्यूजिकल बातें करेंगे, बिल्कुल, और बिल्कुल। देखते हैं कि क्या करते हैं हम बेस्ट। तो बताइए वीर भाई, क्या कर सकता हूँ आपके लिए, कैसे याद किया आपने? यार वीडियो के लिए मैं आया हूँ आपके पास, शूट करनी है आपको। ओके यार, ये काम तो मैं करता ही नहीं हूँ, कमिंग सॉन्ग के लिए। ये काम तो मैं करता ही नहीं हूँ, ये मेरे से क्यों करवा रहे हो? हाँ तो ऑडियो सुनना पड़ेगा, तो आप गाना गा लेना, मैं शूट कर लूंगा। ये बहुत परफेक्ट है भाई, मिलियंस भी ना मिल, पता व्यूज कैसे जाएंगे, -10 मिलियन। ये कुछ नया रिकॉर्ड हम करेंगे, नया रिकॉर्ड बनाएंगे, माइनस में व्यूज लाने, माइनस में व्यूज जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ऑलमोस्ट मेरे साथ यही होता है, लोग आते हैं वीडियो बनवाने, मेरे भाई लोग आते हैं वीडियोस बनवाने, भाई भी अपनी वीडियो बनवाने, और मैं बिना सुने कह सकता हूँ कि भाई गाना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एक होता है ना, आपको पता होता है कि कोई इंसान किस लेवल पे काम कर रहा है, उसके स्किल्स क्या है, वो कितनी अच्छी चीजें बना सकता है, या फिर वो मरी से मरी भी बनाएगा तो वो कितना अच्छा साउंड करेगी। तो वो मैं इनफैक्ट कह सकता हूँ भाई, डेफिनेटली आपका ट्रैक है तो बहुत ही अच्छा साउंड करेगा। मैंने लास्ट भी आपका ट्रैक सुना था, काफी अच्छा था, अभी आपने कवर भी निकाला है ना इसका? हाँ, अभी निकाला है। ये मैंने सुना, आपने वो व्हाट्सएप पे शेयर किया था ना? हाँ। गाइस, इसका लिंक मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे, आप भी सुनना, वीर भाई ने कवर करा है, काफी अच्छा ट्रैक, ये ट्रेंडिंग पे चल ही रहा है। थोड़ा सा प्ले कर देते हैं। अच्छा, मेरे को पता है क्या बेस्ट पार्ट लगता है वीर भाई, म्यूजिक भी जो आप क्रिएट करते हो ना यार, वो भी मेरे को बड़ा सही साउंड, मतलब ऐसा लगता है क्रिस्टल क्लियर बढ़िया साउंड करता है। मतलब आप नॉर्मल भी सुनो और हेडफोन पे भी सुनो या नॉर्मल लीड पे भी सुनोगे, तो भाई वो भी ना मतलब इम्पैक्ट डालता है म्यूजिक भी, और वोकल्स तो भाई है, आप सुन के बताना वोकल्स कैसे हैं। कर दो तारीफ, क्यों कर दो कर दो। तो भाई कितना टाइम लगा होगा आपको ये ट्रैक बनाने में? भाई ट्रैक बनाने में सब कुछ फील के ऊपर है। अच्छा, अगर फील आ गई, अगर फील आ गई तो 2 घंटे में भी रेडी हो सकता है, और नहीं आई तो पूरे हफ्ते में भी रेडी हो सकता है। तो भाई वही यार, देखो क्रिएटिव चीज है, क्रिएटिव काम है, ऐसा मेरे साथ भी होता है कि कभी कभी मैं वीडियो के एडिट पे बैठता हूँ, अगर मेरी वाइब उससे मैच हो गई उस पल के लिए, तो वो वीडियो भाई 4-5 घंटे में रफ कट बन के तैयार हो जाता है। नहीं मैच होती कभी, क्या होता है मैच ना होने का रीजन ही होता है ना भाई, कि हम एक टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, तब होता है कि फील मैच ना हो। क्योंकि मान लो अभी मैंने कोई हिप हॉप वीडियो शूट करा, आपने कोई हिप हॉप ट्रैक का म्यूजिक दिया, फिर आप एकदम से सोस पे आ गए, स्मूथनेस पे आ गए, या क्लासिकल पे आ गए, बिल्कुल, और ये करने के बाद आपको एडिट करना पड़ रहा है,
हिप हॉप, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, तभी टाइम लगता है। अदरवाइज अगर हम एक प्रोजेक्ट पे शूट करके तुरंत एडिट करें, या फिर एक प्रोजेक्ट पे रिकॉर्डिंग करके म्यूजिक बना के तुरंत मिक्स मास्टर करें या सिंगिंग करें, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। अदरवाइज बस यही होता है कि हम एक टाइम पे थोड़ा ज्यादा अगर वर्क कर रहे हैं तब वो थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है। तो ऐसा होता रहता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। बाकी इस चीज को इग्नोर करना, मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, सॉरी, काट दूंगा। वीर भाई, तो आपका ट्रैक कैसा होने वाला है जो जिसकी आप वीडियो करने वाले हैं? वो सैड रोमांटिक है। सैड रोमांटिक, ओके। तो आपका जो तो बेस्ट जोन है। हाँ, ये मेरा जोन है। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। तो सॉरी गाइस, वो ट्रैक हम नहीं सुना सकते अभी आपको, क्योंकि वो अभी प्लानिंग चल रही है, वो रिलीज होना है बाद में। तो ये डिस्कशन हम कर लेते हैं और आपको, लेकिन एक सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज क्या है? सरप्राइज तो कहने की बात है, जीता जाता सबूत हमारा वीर भाई। काफी सारी चीजें करने के बाद भाई खुशी होती है यार। देखो, जब आपके साथ भी होता होगा, आपके स्कूल लाइफ में, आपके डेली रूटीन में, या फिर आप अगर जॉब करते हो ऑफिस में, जहां भी आप गैदरिंग करते हो, दोस्तों के साथ रहते हो, और वो दोस्त जब आगे बढ़ते हैं ना, तो भाई अच्छे इंसानों को खुशी होती ही होती है। तो हमें भी एक दूसरे को देख के काफी अच्छा लगता है। एक टाइम पे जब हम मिले थे तो उतना काम नहीं करा था, उतनी नॉलेज नहीं थी, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी हमें बहुत मेहनत करनी है। मैं नहीं कहता कि हम बहुत आगे, कहीं नहीं आए भाई, जहां से स्टार्ट किया था वहीं से एक दो किलोमीटर आगे बढ़े। तो अभी तो काफी मीलों का फासला में तय करना है, लेकिन वीर भाई को देखता हूँ, जब मिलता हूँ तो भाई काफी खुशी होती है। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज कर रहे हैं, गाना सुन के अच्छा लगता है, शेयर करके अच्छा लगता है। आप भी शेयर करो, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये तो हो गई प्रमोशन। और दूसरी बात ये, वीर भाई आए तो सिंगिंग कैसे नहीं होगी? वीर भाई अपने हाथों का जादू दिखाएंगे और कुछ हमें प्ले करके दिखाएंगे। वीर भाई हो जाए, गिटार लाइए अपना। सो वीर भाई आइए, आपका इंतजार है गिटार के साथ। ओके, वीर भाई आ चुके हैं और ये अपनी उंगलियों का जादू दिखाने वाले हैं और वोकल्स का। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मुझे समझ गए होंगे हमारे दर्शक, हमारे भाई, हमारे दोस्त जो भी सुन रहे हैं कि कितना अच्छा भाई गाते हैं, कितनी अच्छी पकड़ है भाई की वोकल्स पे और गिटार पे। बस भाई कह नहीं सकते, बस भाई को सुनना है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई के गानों को सपोर्ट करो और सुनो अच्छा टैलेंट, अच्छी चीजें, अच्छे काम को आगे लाओ। हमेशा से हमारी कोशिश रहती है, हमारी और हमारी टीम की, कि न्यू टैलेंट हमेशा आ गया है। और बाकी भाई अब जो अब डिस्कशन हम करने वाले हैं वो भाई के साथ उनके गाने पे डिस्कस करते हैं। बाकी वीर भाई कुछ आप कहना चाहें मेरी वीडियो के थ्रू? मैंने नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है भाई, बहुत अच्छा, सबको ही पता होगा, बहुत अच्छा वीडियोग्राफी करते हैं, एडिट करते हैं। ओके, तो अच्छे वक्त के लिए तो दूर भी आना पड़ता है। तो ये तो है बस यार, एक्चुअली ना काफी ये शिकायत है मेरे दोस्तों की कि मेरा स्टूडियो काफी दूर पड़ता है, बट क्या करें यार, आफ्टर पैंडेमिक जब वो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद तिलक नगर से स्टूडियो शिफ्ट करना पड़ा, तो मैंने बुराड़ी में ही शिफ्ट कर लिया जहाँ घर है मेरा। तो लेकिन जब इतना दूर आने के बाद काम बहुत अच्छा मिलता है, तो सारा सेटिस्फेक्शन भाई ये तो अब अगर डिस्कशन अगर दूर आगे काम अच्छे मिलने वाली बात पे हुआ है, तो इस बात पे भी ये कर लेते हैं कि आजकल के लोगों से जैसे हमारी बात होती है ना भाई, कि जैसे कि मैं खुल के एक चीज बात करते हैं, तो फ्री स्टाइल वीडियो भाई बात कर सकते हैं। तो अब आजकल के लोगों में भाई, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा या मैं किसी को उस तरीके से जज नहीं कर रहा, दो चार लोगों से बात हुई और दो चार लोगों के बिहाफ पे मैं
पूरी ऑडियंस को नहीं जज कर रहा, तो सबके लिए नहीं है ये। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हमारी बात होती तो उनके अंदर ना हमें वो मोटिवेशन नहीं दिखती यार, वो मतलब जैसे हमारा पहले हमारे अंदर पागलपन होता था ना वीर भाई, जैसे कि हमें पता चल जाए कि स्टूडियो कहाँ पे है बिल्कुल, और हम कितनी भी दूर जाने के लिए तैयार होते थे कि यार हमारा काम हो जाए। आज से 7-8 साल पहले की बात है जब हम इस इंडस्ट्री से रूबरू हुए थे, हमने स्टूडियोज ढूंढे थे, तो तब भी हम इतनी दूर दूर जाते थे भाई कि हमें काम हो जाए, 2-4 घंटे का हमें टाइम मिलता था स्टूडियो में, और घंटे के हिसाब से हमें स्टूडियो मिलते थे, घंटों के हिसाब से। वो आज भी मेरे को याद है कि भाई 2 घंटे का पे करा है तो 2 घंटे की ही परमिशन हमें स्टूडियो में मिलती थी, और बाकी फिर आप जाओ, फिर या तो दोबारा बुकिंग लो, स्लॉट लो, उसके बाद आपका काम होगा। बट आजकल लोग ऐसे हैं कि भाई मतलब अगर वो पैसे दे रहे हैं या फिर जो कुछ भी पे कर रहे हैं ना, तो उन्हें बस होम डिलीवरी चाहिए। मतलब भाई पिज्जा नहीं है ना यार बना के मैं घर पे ले आऊं, अब स्टूडियो आपको आना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, डिस्कशन होगा, तभी वाइब्स हमारी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी कि भाई बंदा क्या चाहता है, मैं क्या दे सकता हूँ। और उसी टाइम दूर नहीं जाते थे हम, आज भी दूर चले जाते, आज भी भाई जब हमें काम करना होता है तो बिल्कुल काफी दूर दूर जाते हैं, आज भी हम यार काफी दूर जाते हैं अच्छी चीजों के लिए। अब आपको पता है शूट्स के लिए हमें कितनी दूर जाना पड़ता है, भाई को अगर अच्छा इंस्ट्रूमेंट कोई प्लेयर चाहिए या फिर अच्छा कोई बंदा चाहिए जो अच्छा प्ले करता हो, तो अभी लास्ट टाइम मैं चंडीगढ़ गया था रवाब रिकॉर्ड करवाने, क्योंकि मेरे को यहाँ पर नहीं जम रहा था, मैं रवाब रिकॉर्ड स्पेशली रवाब रिकॉर्ड करवाने चंडीगढ़ गया। तो आज भी हम काफी दूर चले आते हैं, तो जो नया यूथ है उसके अंदर एक ये चीज होनी चाहिए कि काम करवाना है तो कहीं भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही बस इस कहने का मतलब यही था कि यार अगर आप किसी चीज को काम कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी मेहनत, अपनी इन्वॉल्वमेंट ये भी रखो कि आप भी उसके लिए भाग दौड़ करो, आप भी लोगों से मिलो, जाके देखो क्या माहौल है, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बस उस चीज में एक्टिव रहो। क्योंकि आजकल थोड़ी लोगों से मेरी बात हुई तो उनका काफी लोगों का यही था कि भाई स्टूडियो बहुत दूर है यार, अब क्या करें यार, स्टूडियो एक ही जगह बन सकता है ना, हम आपके घर पे तो ला के स्टूडियो बना नहीं सकते, सबके घर के पास नहीं बन सकता स्टूडियो, तो कहीं किसी के घर से तो दूर हो गई हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कोई नहीं भाई, हम दोनों का स्टूडियो सेम ही है। जब भी कुछ रिकॉर्डिंग करनी हो, शूट करना हो, भाई को कांटेक्ट करो, भाई के घर के पास रहते हो तो भाई के पास जाओ, मेरे घर के पास रहते हो मेरे पास आ जाओ, कोई बात नहीं भाई। यही ना, आजकल के यूथ को कम्फर्ट चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। लेकिन जहाँ पे इतना ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं तो चीजें भी सही नहीं होती अक्सर। जिन चीजों के लिए हम भागे होते हैं, काफी दूर गए होते हैं, तो ये हमें होता है कि यार हमने इतना टाइम उसे दिया है तो वो चीज अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम उसके पीछे उतना ही मोटिवेशनली लगे रहते हैं। सही बात है। तो भाई देख रहे हो, जब दो पागल लोग मिलते हैं तो क्या बात करते हैं। भाई कुछ नहीं है, बस ये यार लाइफ का एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी भाई अगर वीर भाई म्यूजिक इंडस्ट्री में देखा जाए तो आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आ रहा है और क्या चीजें ज्यादा चल रही हैं, क्योंकि आप म्यूजिक बनाते हो। बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑडियंस दोनों तरीके की है, जो एक म्यूजिकली स्ट्रांग भी है और एक नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड से, जो मतलब वो सुनना चाहते हैं जो उनको इजी लगे, जो ऐसा लगे कि हाँ हम भी गा सकते हैं, क्योंकि सबको पता है और सबको अपने सपने जीने में बहुत अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं एक नॉन सिंगर हूँ और कोई गाना ऐसा है कि हाँ मैं भी गा सकता हूँ उस गाने को, तो ऑब्वियसली मैं उसको ज़्यादा सुनूंगा। बिल्कुल, क्योंकि जो ज़्यादा म्यूजिकली होगा वो उतना ही हार्ड होगा लेकिन कानों को उतना ही प्लीजेंट होगा, तो उसकी ऑडियंस मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है देन उसके। सही बात है, तो काफ़ी कुछ नॉलेज मेरे को ही मिल गई वीर भाई से, जो कि हमेशा मिलती है, और आपको भी मिल गई। बाकी भाई यही है कि यार ये व्लॉग्स बनाने मैंने इसलिए स्टार्ट करे हैं कि लोगों से हम थोड़ा कनेक्टेड हो पाए, ये किसी व्यूज़ या उसके लिए नहीं है कि मेरे को ज़्यादा वैसा व्यूज़ चाहिए या उसके लिए। मुझे पता है देखो हमारी लाइन के बंदे इस चीज़ों को देखेंगे जिन्हें हमें पर्सनली थोड़ा अटैच होना है। क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो आउटर स्टेट्स में रहते हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं, जिनसे हम सिर्फ फ़ोन पे कनेक्ट हो पाते हैं, प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन कर पाते हैं, वो थोड़ा खुल के हमारे बारे में जान पाए कि हम कैसे हैं या फिर क्या है। क्योंकि लोग ना भाई सिर्फ प्रोफाइल देख के ना अलग जजमेंट बना लेते हैं कि बंदा बात करेगा नहीं करेगा, या फिर ये इससे मैं बात करूँ ना करूँ, ये रिप्लाई होगा नहीं होगा। देखो जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो सब बात करना चाहते हैं, वो सब अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। तो आप कभी भी किसी की प्रोफाइल को देख के जज मत करो, क्योंकि मेरी काफ़ी लोगों से बात होती है तो बाद में उनका कमेंट ये या बाद में भी बात होती है तो वो बताते हैं कि भाई मैं तो सोच रहा था आप बात करोगे नहीं करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है, सब बात करते हैं, सबको सब कमेंट्स पढ़ते हैं, सब हर कोई हर किसी का जवाब देता है। बस ये कि आपको खुल के अपना पक्ष रखना चाहिए, खुल के अपनी बात रखो कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे ये काम करवाना है, बस आगे का जो प्रोसेस है वो आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। बाकी ये भाई इन वीडियोज़ बनाने का मतलब कि लोगों से हम कनेक्टेड हो पाए
और अच्छे अच्छे आर्टिस्टों से मैं आपको मिलवाता रहूं जिनके सिर्फ क्रेडिट्स पे नाम रह जाते हैं, वो उतना चीजें नहीं मिल पाती है, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, वो चीजें नहीं मिल पाती जिसके वो असली हकदार है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे चीजें रह जाती हैं। काफी लोगों के साथ ये होता है, अच्छे लोगों के साथ ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मैं अगली वीडियो में मिलूंगा एक नए आर्टिस्ट के साथ, उनसे मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके काम के बारे में जानेंगे और कैसा है उनका आज के म्यूजिक का एक्सपीरियंस, उस बारे में बात करेंगे। देखो यार, वीडियोस जितनी भी मेरी होंगी ना वो सारी इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगी, म्यूजिक, वीडियो एंड म्यूजिक, और उसमें आपको कुछ मिले ना मिले पर एक एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और हमारा एक्सपीरियंस है हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, कि हमें यार कैसे कैसे क्या क्या हुआ और आज के लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे चलना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। देखो यार, हम किसी को ज्ञान नहीं बांट रहे, बेसिकली सच बताऊं तो ये कोई ज्ञान बांटने वाला चैनल नहीं है, या फिर मैं इसे उस तरीके से भी नहीं ले जाना चाहता। मैं बस ये कि एक फ्री स्टाइल वीडियोज है ये हमारी डेली लाइफ की, कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं और किस लेवल पे कर रहे हैं, बस उनसे आप इंट्रोड्यूस करवा पाओ। जैसे कोई सपोज कोई भाई राइटर सुन रहा हो, अगले वीडियो देख रहा हो, तो वो आपके टैलेंट को देख के आपसे कांटेक्ट करता है, तो वही हमारे लिए प्लस पॉइंट है, रेदर देन कि हमें कोई इसके व्यूज सी हो, तो वो मैटर नहीं है। बस ये कि इंडस्ट्री के लोग जुड़े रहे और उन एक दूसरे से हम कनेक्टेड रहे, हमारी वाइब्स सबको पता रहे कि भाई हम कैसे बंदे हैं, क्या करते हैं। बाकी इसी उम्मीद के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए आर्टिस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।